अब इस पिंक वाली आंटी को देखो नानी? जेब हर मिडिल क्लास वाले इंसान की कटती है और अगर आपको घमंड है ना कि मेरी जेब तो आज तक नहीं कटी तो चिंता मत करो आपकी जेब भी बहुत जल्दी कट जाएगी लेकिन क्या आपको पता है है कि अगर आपकी जेब कट जाए तो ऑन द स्पॉट आपको आपको क्या करना आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड आज मैं आपको वो बताऊंगा जो पूरे इंटरनेट पर आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे पुलिस आपको पागल बनाती है कैसे पुलिस आपके इधर से उधर चक्कर कटवाती है और क्यों आपको आपका सामान वापस नहीं मिलता इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है अब इस पिंक वाली आंटी को देखो ये बैग खुला हाथ अंदर जिप की भी आवाज़ नहीं आई है वाली मैडम को वो बिल्कुल बेखबर है उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है और ये जो पिंक वाली आंटी है इनका हाथ अभी भी उस लेडी के बैग के अंदर है और वो टटोल रही हैं कि क्या चुराऊँ मोबाइल पर्स ज्वेलरी जो भी होगा उसके अंदर अब मुझे लगता है उनके हाथ कुछ लग गया है मीठी सी स्माइल और ये क्या लगा क्या लगा अरे वाह पर्स अब हो सकता है इसके अंदर मोबाइल भी ओ देखो पीछे वो आंटी ने देखा भी है कि कुछ हुआ है लेकिन फिर भी छः कुछ पता ही नहीं उन्हें ये आंटी गई इनका काम हो गया हो गया काम जय श्री राम सबसे पहली चीज जो पुलिस आपको कहेगी जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे वो ये लेके चल कर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दे भूल कर भी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल मत करना पुलिस वाले फोर्स करेंगे साइबर कैफे जाओ ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दो लेकिन मत जाना क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में ऑनलाइन कंप्लेंट जो होती है कोई, कोई अपराधी है ही नहीं इसलिए हमें लॉन्च करवानी है एफ जिसे कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि फिजिकली पुलिस स्टेशन में लॉज होती है हाँ, ऐसा है कि कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन एफआईआर भी लॉज हो जाती है सो तो ये आपको देखना है कि आपकी स्टेट में जो ऑनलाइन रिपोर्ट आप लॉज कर रहे हो वो लॉस्ट रिपोर्ट है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर है सो लॉस्ट रिपोर्ट और एफआईआर में फर्क होता है मेरे दोस्त और फर्क ये होता है कि लॉस्ट रिपोर्ट जो होती है वो हम तब लॉज कराते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं एग्जाम्पल आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट और इस रिपोर्ट को हाँ सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट में और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो फ्रेश बन के आ जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ एफ वो चीज होती है जिसके बाद क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अपराधी को पकड़ती है इसलिए अगर कोई आपकी जेब काटता है जिसकी वजह से आप अपना महंगा फोन कैश या कोई ज्वेलरी खो देते हो तो ये चोरी माना जाएगा और इसमें हमें FIR करवानी है, रिपोर्ट नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि जेब काटना का सेवन ऑफ इंडियन को तीन साल तक की जेल हो सकती है अब समझे पुलिस आपको कैसे पागल बनाती है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े उनका काम कम हो जाए और क्यों आपको आपका सामान वापस नहीं मिलता है इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम गार्डियन ऑफ फैमिली बाई शेयरिंग दिस वीडियो ऑल